अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी हाँ जी, आज मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी लंच बनाया है, जो कि उनके लंच के लिए, और ये विदाउट एग और विदाउट मिल्क के बनाया है। सबसे पहले मैंने यीस्ट लिया है, इसका मैंने जो टी स्पून होता है वो हाफ लिया है, हाफ टी स्पून मैंने लेके उसे नीम गर्म पानी में कप में शामिल किया है। हाफ कप मैंने नीम गर्म पानी लिया उसमें, और मैंने 2 टी स्पून जो है वो मैंने चीनी लिया है। अब मैंने इसे अच्छे से इसे मिक्स करूँगी, इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर कोई भारी चीज़ देके इसे रख दूँगी। जी हाँ जी, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ आपके सामने, आपके सामने बना रही हूँ विदाउट एग और विदाउट मिल्क। यानी अगर घर में एग अवेलेबल नहीं है तो हम उसके बगैर भी बहुत सॉफ्ट से तुर्किश ब्रेड बना सकते हैं। ये है गार्लिक ब्रेड। जी हाँ जी, गार्लिक ब्रेड, इसे हम गार्लिक नान भी कह सकते हैं। अब ये देखे मैंने एक हैवी सी अपनी इसके ऊपर दे दिया है। ठीक 10 मिनट्स के बाद अब ये देखे सारा जो खमीर है वो फ्लो हो चुका है। ये पैकेट वाला मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि पैकेट होता है, सम टाइम लोग कहते हैं कि एक दफ़ा यूज़ करें हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ बस इसमें मैंने मैदा लिया 3 कप, जो कि 1 पाव के बराबर है। 3 कप मैदा अब मैं करूँगी ऐड, और उसमें ये देखे 3 कप मैदा मैं इसमें ऐड करूँगी। और यहाँ जो यीस्ट मैंने यूज़ की है वो आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं, यानी कि एक दफ़ा ले लें डब्बा, बाद में आप पूरा मंथ आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने ओपन कर दिया तो बार दोबारा यूज़ नहीं हो सकती। मैं इसके लिए बड़ी बहुत ही परेशान कि ये कैसे इसका करूँ, पैकेट एक दफ़ा यूज़ होता है दोबारा नहीं होता, लेकिन हम इसे बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने 3 कप मैदा लिया, उसके बाद मैंने 1/3 जो टी स्पून होता है वो मैंने मीठा सोडा लिया, और 1/3 टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया। अब जो खमीर पहले मिक्स हुआ हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता गूँदूँगी नीम गर्म पानी से। हाँ जी, क्योंकि ये सुबह का टाइम है, मैंने इसे फ्लो करना है जल्दी, तो मैं इसे नीम गर्म पानी से गूँदूँगी। ज़्यादा गर्म भी नहीं करना पानी, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी जब हम करेंगे तो ये ठीक से फ्लो नहीं होगी। अब आहिस्ता आहिस्ता इसे अच्छे से गूँद लेंगे। ये देखें, बिल्कुल थोड़ा इसमें कोई ऑयल ऐड नहीं किया। बाकी जो वीडियोज़ हैं जो मैंने पहले देखी है और उसके इक्वली जब मैंने बनाया तो ऑयल इसमें ऐड करना पड़ता था। इसमें ना ऑयल है, ना एग है, ना ही मिल्क है। उसके लिए देखिए कितनी मज़े की स्मूथ डो बन गई। मैंने इक्वली जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे गूंदना है। गूंदने के बाद ये बिल्कुल इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, ना ही ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल मीडियम साइज़ का हो। अब एक पैन में मैंने इसे थोड़ा सा ऑयल लगा दिया। इसमें ऑयल डाल के 1/2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया, 1/2 टेबल स्पून को सारे ऑयल को मैं फैला दूँगी। फैलाने के बाद मैं इसमें अपनी ये डो रख दूँगी। डो को कवर करके ये देखिए अच्छे से डो, अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी ताकि जब ये ब्लो करे तो ऊपर से ये बिल्कुल सॉफ्ट रहे। इसे ब्लो करने के लिए अब मैं इसे कवर करके, बहुत ही मज़े का और यमी बच्चों का लंच बना ये, कवर करके इसे मैंने रख दिया। अब ये देखें ये ब्लो भी हो गई, ये बिल्कुल डबल हो गई है, जैसे कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी ये वैसे। एक दफ़ा दोबारा मैं गूंद लूँगी, गूंदने के बाद मैं इसके पेड़े बना लूँगी। ये 4 पेड़े बन गए 1 पाव में, 1 पाव मैदे में ये 4 पेड़े बने। तवे को गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद ये देखें अब यहाँ मैंने धनिया और साथ में लहसुन ये मैंने रख दिया, धनिया काट के लहसुन कूट के। अब मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे, मीडियम फ्लेम कर दिया मैंने। अब मैंने 1 बाय 1 मैं एक एक अपनी ये जो बेली हुई रोटी है ये डालती जाऊंगी। ये बिल्कुल ब्रेड टाइप बनेगी, ये बाहर से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये घर में बहुत यम्मी और मज़े की बन जाएगी, बहुत ही डिलीशियस बनती है तुर्किश ब्रेड स्टाइल। पहले जब मैं ये बनाती थी तो इसके अंदर एग और मिल्क यूज़ करती थी, लेकिन आज विदाउट एग और मिल्क के भी ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है, बहुत ही यमी है, और बच्चे भी बहुत इंजॉय करके खाते हैं। ये बच्चों का फेवरेट, मेरे बच्चों का फेवरेट लंच है। और ये सुबह नमाज के टाइम उठ के मैंने इसे प्रिपेयर करना शुरू किया। नमाज से पहले मैंने इसकी डो तैयार की है, और जैसे ही 7:15 हुआ है तो मेरी डो बिल्कुल रेडी थी। फिर मैं लंच इनका तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल मैं फ़्रेश बच्चों के लंच प्रिपेयर करके देती हूँ, फ्रेश लंच इनका बना के देती हूँ। जो हम चीज़ें बना कर रख देते हैं, स्टोर करते हैं 1 वीक के लिए या 3 डेज़ के बाद, तो वो उसके टेस्ट में थोड़ा फ़र्क होता है। जितने भी हैं चाहे फ्राई की हुई चीज़ें, अगर हम उन्हें फ्रीज़ कर लें, फ्रीज़ करने के बाद उनके टेस्ट में थोड़ा फ़र्क होता है, वो बिल्कुल जैसे होता है ना कि फ़्रेश टेस्ट नहीं आता, इसलिए मैं फ़्रेश यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर ये देखें लहसुन मैंने पीस लिया, 1 चम्मच लहसुन है, और उसमें अब ये 4 उसके ब्रेड के लिए मैंने 1 टेबल स्पून बटर लिया। यहाँ पर ये सॉल्टेड बटर है, आप अनसॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं अपने साथ साथ ये जो जैसे मैं बना रही हूँ ये अपनी छोटी इसे तवे पर रख दूँगी ताकि इसका बटर मेल्ट होना शुरू हो जाए। और साथ ही साथ मैं अपनी प्रिपेयर कर रही हूँ सारे अपने जो नान है, इसे हम नान भी कह सकते हैं, तुर्किश रोटी भी कह सकते हैं, कुछ भी जो आप हैं, और गार्लिक ब्रेड या जिनके जैसे हैं वो हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी इसके अंदर ताकि ये बटर आहिस्ता आहिस्ता मिक्स हो जाए। जल्दी होती है सुबह के टाइम, तो बच्चों के लंच में या स्कूल के टाइमिंग में भी देर ना हो।
जी हाँ, अब ये मेरी लास्ट है, लास्ट रह चुकी है, मैं इसे बनाऊंगी। इसे बनाने के बाद मैं इसे डिश आउट करूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इसे बटर मैंने इसके ऊपर लगाया। अब ये लास्ट मेरी ये भी तैयार हो चुकी है। अब मैंने डायरेक्ट इसे जो था बटर को मैंने इसे चूल्हे पे रख दिया ताकि मैं इसे गर्म कर सकूँ अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा लहसुन इसमें ना हल्का सा बस पकना चाहिए। ये देखें कितनी सॉफ्ट ब्रेड तैयार हुई है। अब मैं वन बाय वन इसके ऊपर अप्लाई करूँगी और ये देखें बहुत ही मज़े का इसका कलर और ये बहुत ही मज़े की बन गई है। वे आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेश हमेशा लंच यूज़ करें ताकि बच्चे मज़े से इंजॉय करके खाएं। हाँ जी, ये देखें बहुत ही टेस्टी, वन बाय वन मैंने सब पे अप्लाई कर दिया। ये बच्चों का लंच बिल्कुल हेल्दी लंच रेडी है, हेल्दी एंड फ्रेश, जो कि बच्चे बहुत इंजॉय करके और मज़े से खाएंगे। हाँ जी, आप लोग भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कैसी बनी। मेरी तो बहुत यमी बनी है और आप भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, फिर मान लिया, अपना ख्याल रखिएगा।